किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और महाराज ईगल रहा करता था। और पास ही के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहा करता था। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी से कहता है, गौरी कौवी, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने घर में अनाज खाने के लिए नहीं लाया है, मुझे तुमसे अंडा चाहिए, अंडा, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। हाँ, इस बात को तुम ध्यान में रखना गौरी, और इसे तुम मजाक बिल्कुल भी मत समझना। पति जी, आप ऐसी बात ना कहें, देखना मैं एक ना एक दिन माँ जरूर बनूंगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें, सोचा था मेरा भी बेटा होगा और मैं बूढ़ा होने से पहले पहले ही इसे चोरी करना सिखा दूंगा। आए दिन ऐसे ही कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी को ऐसे ताना दिया करता था कि उनकी शादी के कई साल बीत गए थे, फिर भी गौरी कौवी अभी तक माँ नहीं बनी थी। फिर एक दिन सुबह सुबह रोते हुए गौरी कौवी अपनी माँ रानी कौवी के पास रवाना हो जाती है और घर पहुंचकर अपनी माँ रानी कौवी से रोते हुए कहती है, माँ, तुम्हारे दामाद ने मुझे कहा है कि अगर मैंने अंडा नहीं दिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। माँ, गौरी बेटी, मेरे पास एक उपाय है, इससे कुछ दिनों तक तो वो तुमसे लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन बाद में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकती। माँ, बाद वाली बात छोड़े, पहले ये बताएं कि आपका दामाद कुछ दिनों तक मुझे कैसे खुश रखेगा। बेटी, मैं तुम्हें एक प्लास्टिक का अंडा ला देती हूँ और कालू से तुम ये कहना कि ये अंडा हमने दिया है। माँ, ये तो ठीक है, मगर कालू को मालूम हो गया तो फिर क्या होगा। बेटी, कुछ दिन तो निकालो, फिर बाद में देखेंगे कि क्या होगा। फिर गौरी कौवी प्लास्टिक का अंडा लेकर वहाँ से अपनी पति कालू के घर की ओर रवाना हो जाती है। कालू कौवा उस समय घर से बाहर था। फिर गौरी कौवी वह प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद ही कालू कौवा घर आ जाता है। फिर गौरी कौवी कालू कौवे से कहने लगती है, कालू, कालू जी, ये देखो मैंने अपने घोंसले में अंडा दिया है। मैं ना कहती थी कालू जी, तुम देखा ना एक दिन मैं जरूर माँ बनूंगी। ये सुनकर कालू कौवा काफी खुश हो जाता है और कहता है, मैं पिता बन गया, मैं अपने अंडे का बाप बन गया, मैं अभी सबको बता कर आता हूँ। ऐसे ही खुशी खुशी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उस दिन से कालू कौवा गौरी से लड़ाई नहीं करता, बल्कि वह उसके लिए अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट भोजन लाता। कभी कभी तो अपनी पत्नी के लिए मीठा फल भी लेकर आता। ऐसे ही कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। फिर एक दिन कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, अब तो 15 दिन होने को है, हमारे इस अंडे से बच्चा कब निकलेगा। पति जी, मुझे तो इस बात का पता नहीं है, मैं माँ से पूछ कर बताऊंगी। मैं भी टूनी चिड़िया से पूछ कर आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर की ओर रवाना हो जाता है और पहुँच कर टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, तुम मुझे एक बात बताओ तो सही, मेरी पत्नी गौरी ने अंडा दिया है, 15 दिन हो गए और अभी तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आया है। क्या तुम्हें मालूम है टूनी कि कौवे के अंडे से बच्चे कितने दिनों के बाद बाहर आते हैं। कालू भैया, 15 दिन तो बहुत ज्यादा है, कौवे के अंडे से तो बच्चा केवल 10 दिनों में ही बाहर आ जाता है। आप ऐसा करें कालू भैया, अंडा और अपनी पत्नी गौरी को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चले जाएं। क्या बुलबुल मुझे बता देगी कि अंडे से बच्चा कब निकलेगा। वो अंडे को चेकअप करके बता देगी कि कहीं अंडा खराब तो नहीं हो गया है। ये सुनकर कालू कौवा दुखी हो जाता है और कहता है, मैं आज ही गौरी और अंडा को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा अपने घर की ओर रवाना हो जाता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी, चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ चले पति जी।
बुलबुल डॉक्टर के पास और अपना ये अंडा भी उठा लो। ये सुनकर मानो गोरी कौवी के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है और उसे मालूम हो जाता है कि आज उसकी दिखावा और नाटक सामने आ जाएगा। मैंने क्या कहा गोरी, जल्दी चलो। फिर डरते डरते गोरी वो प्लास्टिक का अंडा उठा लेती है और कालू के साथ बुलबुल डॉक्टर के पास जाने लगती है और बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। फिर बुलबुल डॉक्टर कालू से कहती है, कालू आप यहाँ से बाहर जाएं, यहाँ सिर्फ फीमेल पक्षी को ही आने की इजाजत है। फिर कालू कौवा बाहर चला जाता है और बुलबुल अंडा चेकअप करने के बाद कहती है, गौरी ये क्या है, ये तो प्लास्टिक का अंडा है, इससे भी भला कोई बच्चा निकल सकता है क्या। फिर गौरी कौवी रोने लग जाती है और कहती है, रोज मुझे मारता था और बांझ बांझ कहकर पुकारता था, फिर मेरी माँ ने मुझे ये उपाय बताया ताकि कुछ दिन तो सुकून से बीत सके। मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हारे दुखों को भली भांति समझ सकती हूँ। प्लीज बुलबुल दीदी, अभी आप मेरे पति को कुछ ना बताना, वरना वो तो मुझे अभी के अभी घर से बाहर निकाल देगा। गौरी दूसरे जंगल में एक अनाथालय है जहाँ सिर्फ अंडे ही अंडे होते हैं। जो पक्षी मर जाते हैं या जिनके अंडे ज्यादा होते हैं अनाथालय में अंडे को डोनेट कर देते हैं, आप जाकर वहाँ से अंडे ले लें। ये सुनकर तो गौरी की जान में जान आ जाती है, वे बहुत खुश हो जाती है। फिर गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं और घर पहुंचकर कालू कौवा गौरी से कहता है, क्या कहा बुलबुल डॉक्टर ने। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि अभी हमारे अंडे से बच्चा निकलने में अभी कुछ दिन बाकी है। अच्छा आप आराम करें, मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के लिए मीठा फल लाने जंगल की ओर रवाना हो जाता है और इधर गोरी कौवी भी कालू से बचकर बुलबुल के बताए अनुसार सीधा अनाथालय पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर अनाथालय का मालिक चील से कहती है, चील बहन आप अपने अनाथालय से मुझे एक अंडा दे दें, मैं जीवन भर आपका आभारी बनी रहूंगी। अच्छा तो अंडा चाहिए आपको। जी जी मैं बिल्कुल अपने अंडे की तरह ही ध्यान रखूंगी। आप अपना एड्रेस मुझे बताएं। जी पहाड़ के दक्षिण ओर गली नंबर 00 और मकान नंबर 123। ये लो अंडा, ये अंडा कौवे का ही है। पिछली बारिश में अंडे की मालकिन मर गई है, इसलिए उसका पति ने अंडा अनाथालय में जमा करके गया है। अब मेरा जीवन का बहुत बड़ा दुख दूर हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील बहन। फिर गोरी कौवी वह असली अंडा लेकर अपने घर पर आ जाती है और फिर प्लास्टिक का रखा हुआ अंडा दूर फेंक देती है और असली अंडा अपने घोंसले में रख लेती है और अब वह काफी सुकून महसूस कर रही थी क्योंकि अब उसे कोई भी डर नहीं था। फिर 3 दिनों के बाद उस अंडे से बच्चा निकल जाता है जो काले रंग का बेटा था। गोरी कौवी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और तभी कालू कौवा बोल पड़ता है, मेरे बेटे मुझे आपका ही इंतजार था। मम्मा मगर जो आवाज मैंने अंडे में रहकर सुनता था वो आवाज तो आपकी नहीं है। बेटा उस दिन पहले मेरा गला खराब हो गया था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मेरे बेटे अब आप जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें चोरियां करना सिखा दूंगा, फिर तुम मेरे लिए दूसरों के घर से भोजन चुरा कर लाओगे और मैं बैठे बैठे आराम से खाऊंगा। अब तो मेरा मौज ही है मौज। मगर मम्मा पापा जो कह रहे हैं मैं चोरी नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे सब पक्षी चोर के बेटे कहकर पुकारेंगे। और जब मैं अंडे में था तो आप कहा करती थी मम्मा कि मेरा बेटा कामयाब मेहनती और ईमानदार पक्षी बनेगा। हाँ बेटे तुम जरूर एक कामयाब पक्षी बनोगे।
ये गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? ईमानदारी करके मेरा बेटा कितना कमा लेगा? चोरी करना सीख जाएगा तो जल्दी जल्दी मालदार बन जाएगा। नहीं जी कालू, मैं अपने बेटे को आप जैसा चोर बनने नहीं दूंगा। नहीं तो महाराज जी मेरे इस नन्हे से बेटे को आपके जैसा कारागार में ही बंद रखेगा। क्या कहा तुमने? ये लो और बोलोगी, आज मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा गोरी कौवी को पीटने लगता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। फिर गोरी कौवी रोते हुए जा रही थी, तभी देखती है कि एक जगह टूरी चिड़िया, बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता आपस में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहां गोरी कौवी जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, आखिर तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तब गोरी कौवी रोते हुए सारी बातें बताती है। तब टूरी चिड़िया कहती है, अब बहुत हो गया गौरी बहन, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब तुम्हारे पति कालू कौवा को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अपने बेटे को अपने जैसा चोर ही बनाएगा। चलो महाराज के पास चलते हैं गौरी, इसका फैसला महाराज ईगल ही कर पाएंगे। हाँ हाँ टूनी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को चोर नहीं बनाऊंगा। ऐसा कहकर गौरी कौवी, टूनी, बंटी और मिट्ठू महाराज ईगल के राजभवन की ओर रवाना हो जाते हैं। और वहां पहुंचकर टूनी चिड़िया महाराज को सारी बातें बताने लगती है। फिर महाराज ईगल टूनी की बात सुनकर कहता है, अच्छा तो उसकी ये हिम्मत कि अपने बेटे को चोर बनाएगा और सही कहने पर अपनी पत्नी पर हाथ उठाएगा। सेनापति जी महाराज, जाओ और दुष्ट कौवे को पकड़कर मेरे राजभवन में पेश करो, जैसी आपकी आज्ञा। फिर दो सेनापति जाता है। और दुष्ट कौवे को पकड़कर महाराज के सामने लाकर खड़ा कर देता है। फिर महाराज कहता है, क्या रे दुष्ट कौवे, तुम्हारे बारे में मुझे सारी बातें टूनी चिड़िया और तुम्हारी पत्नी गौरी ने बता दिया है। तुम 3 महीने के लिए कारागार में बंद होना चाहोगे या 50 बार कान पकड़कर उठक बैठक करोगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि बेटे को चोर बनाना और मासूम सी पत्नी पर हाथ उठाना बहुत बड़ा जुर्म है। न महाराज, इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, तुम्हें कोई माफी नहीं दुष्ट कौवे। सेनापति जी महाराज, इस दुष्ट कौवे को कारागार में बंद कर दो। नहीं महाराज, मैं कान पकड़कर उठक बैठक कर लेता हूँ। फिर दुष्ट कौवे कान पकड़कर उठक बैठक करने लगता है। तो देखा ना दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश ईमानदारी से करना चाहिए और उसे बुरा काम करने से रोकना चाहिए। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।